आपको बता दें, हाथरस गैंग रेप मामले पर योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में ये एसआईटी बनी है। एसआईटी में एक दलित और एक महिला अधिकारी भी होंगे। तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो इस पूरी मामले की जांच करेगी। हाथरस गैंग रेप को लेकर जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है और इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। जांच की मांग की जा रही है, इंसाफ की मांग की जा रही है और अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में ये एसआईटी बनी है और इस एसआईटी में एक दलित और एक महिला अधिकारी शामिल होंगे। और इस वक्त आपको बता दें, बाबरी विध्वंस मामले में जज सुरेंद्र कुमार यादव कोर्ट पहुंचे हैं। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। मामले में आरोपी चंपत राय भी कोर्ट पहुंचे हैं। मामले में आरोपी साध्वी रितंबरा भी कोर्ट में मौजूद रहेंगी। तो कोर्ट ने कहा है कि जितने भी आरोपी हैं इस केस के, वो कोर्ट में मौजूद रहें। और जो जानकारी अभी हमें मिल रही है, चंपत राय कोर्ट पहुंचे हैं और आरोपी साध्वी रितंबरा भी कोर्ट में मौजूद रहेंगी। विशाल पांडे इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहने चाहिए जब ये फैसला सुनाया जाएगा। 28 साल का ये लंबा इंतजार, हाई प्रोफाइल केस और आज फैसला सुनाया जाना है। क्या जानकारी आपके पास अभी तक, कितने आरोपी हैं जो कोर्ट में पहुंच चुके हैं? देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो आरोपी बनाए गए हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत है, हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में मौजूद है। चंपत राय इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रकाश शर्मा आ चुके हैं, साध्वी रितंबरा भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और इसके साथ ही साथ विनय कटियार, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह और इसके अलावा जो और दूसरे नाम हैं जो तत्कालीन जिलाधिकारी रह चुके हैं फैजाबाद के, उनको भी यहाँ पर मौजूद रहना है। 32 लोग कुल यहाँ रहेंगे। हालाँकि उनमें से 5 से 6 जो बड़े नाम हैं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, महेंद्र नृत्य गोपाल दास, स्वास्थ्य कारणों के चलते इनका कोर्ट रूम में उपस्थित रह पाना मुश्किल होगा। उनके लिए प्रार्थना पत्र यहां पर दिया जाएगा वकील की तरफ से। और जज सुरेंद्र यादव इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे के आसपास फैसला आने की संभावना है और जो तमाम यहां पर आरोपी हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 28 साल से ये मुकदमा लगातार चल रहा था। पहले 2 अदालतों में चल रहा था, रायबरेली की स्पेशल कोर्ट थी, लखनऊ की स्पेशल कोर्ट थी, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे दोनों जगह के मामले लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहे थे। और सुरेंद्र यादव, जिनका पिछले साल ही रिटायरमेंट हो चुका था, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया और वो आज जाकर इस पर पूरा फैसला देंगे। और अगर इस पूरे केस को देखें, 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे 1992 में जब विवादित ढांचे का विध्वंस किया गया था 6 दिसंबर 1992 को, तो एक मुकदमा 197/92 और दूसरा मुकदमा 198/92। इन्हीं 2 मुकदमों के आधार पर ये पूरी सुनवाई चल रही है। पहले मुकदमे में लाखों कार सेवकों के खिलाफ आगजनी, लूटपाट, दंगा भड़काने, इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जो दूसरी एफआईआर ठीक 10 मिनट बाद हुई थी 198/92, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी समेत बजरंग दल, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 8 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर। और इसके अलावा उनके खिलाफ 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता को उत्पन्न करने को लेकर यहां पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। आपको याद होगा जब 1992 में ढांचा का विध्वंस हुआ था, उसके बाद तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने लिब्राहन आयोग का गठन किया था और जिसे 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी लेकिन वो नहीं दे पाई थी। 48 बार इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 2009 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें तमाम साजिशों के बारे में बताया था, लेकिन अब इन तमाम चीजों पर आज एक तरह से विराम लग जाएगा जब फैसला आएगा। हालांकि यह फैसला सेशनल कोर्ट का है, सत्र न्यायालय का होगा, क्योंकि निचली अदालत है ये। जो भी फैसला आएगा कोई भी पक्ष इसे चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर। लेकिन हमने यहां पर जो तमाम वकीलों से बातचीत की, पक्ष का जो अलग अलग पक्ष हैं उनसे बातचीत की, उनका यह कहना था, खासतौर पर जब हमने जो ये बचाव पक्ष के वकील हैं के मिश्रा, हमने उनसे बात की, उनका यह कहना था कि प्रोसिक्यूशन पक्ष अभी तक कोई ऐसे
साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाया है जिनके आधार पर इन 32 लोगों को इसमें साजिश का दोषी माना जा सके। हालांकि अब ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या फैसला देता है उसका इंतजार करेंगे, ऐसा बयान के मिश्रा ने दिया। विनय कटियार से जी न्यूज़ ने बातचीत की, उनका ये कहना था कि साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार में उन्हें फंसाया गया, उन लोगों का कोई योगदान नहीं था, कार सेवकों में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आज इस फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल, इस हाई प्रोफाइल केस पर सभी की नजरें हैं क्योंकि बहुत ही लंबा इंतजार रहा है, 28 साल का ये लंबा इंतजार, और कई पड़ाव इस केस में देखे हैं क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसने पहले ये चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे, फिर मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हमारे साथ रविंद्र भी हैं जो इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पे इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, जितने भी आरोपी हैं उनकी ओर से यही बात कही गई है कि उनके खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी की ओर से भी जो दलील दी गई थी उनकी ओर से भी जो आखिरी उनका स्टेटमेंट जो जारी किया गया था, उन्होंने कहा था कि फंसाया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार थी, ये बदले की कार्रवाई के तहत उन्हें फंसाया गया और किसी तरह के सबूत उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन आज जब ये अहम फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और लालकृष्ण आडवाणी के घर पर आप इस वक्त मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? देखिए मेहमान साहब, लालकृष्ण आडवाणी एक तो उम्र और स्वास्थ्य दोनों कारणों से अपने घर पर हैं, कोर्ट में मौजूद नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और मैं बता दूं कि अब से चंद मिनट पहले ही उनके वकील, जिन्होंने अपना नाम महिपाल बताया है, वो भी अंदर गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको है, आडवाणी को भी है, और उनको वकील ने कहा कि जो भी फैसला आएगा उन्हें मंजूर होगा, उसके आगे के बाद जो भी रणनीति होगी तैयार की जाएगी। लेकिन मैं बता दूं मीमांसा कि लालकृष्ण आडवाणी के जो करीबियों का कहना है, उनका कहना है कि फैसला जो भी है रामलला का प्रसाद होगा, क्योंकि जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला उसके एक महानायक के तौर पर थे लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन उस समय का विवादित ढांचा जब गिरा, आडवाणी मौजूद थे लेकिन उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया उस समय, उन्होंने तो जो कारसेवक थे जो ढांचा गिरा रहे थे उनको रोकने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश भी की और इसका पूरा सबूत भी था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1992 में 197 में दूसरा मामला दर्ज करती है, 198 में आडवाणी सहित दूसरे लोगों को उसमें जानबूझकर फंसाया जाता है, 2003 में फैसला आता है, फिर उसके बाद लगातार 2017 में फिर इसको आपने देखा कि एक बार फिर से मामला उठा, और इसके पहले आडवाणी जब पेश हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 200 से ज़्यादा सवालों का जवाब उन्होंने दिया था, कोर्ट को अपनी तरफ से पूरी सफाई भी दी थी जिसका आपने जिक्र भी किया। तो कहीं ना कहीं फैसले का इंतजार है, लेकिन आडवाणी और उनके करीबियों का यही मानना है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस द्वारा फंसाया गया था, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, हाँ वहाँ मौजूद थे, ढांचा गिरते समय जो विवादित ढांचा था उस समय गिरते समय वो मौजूद थे, भाषण भी दिए थे, लेकिन उसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, और ये कांग्रेस की कंस्पिरेसी थी, लिब्राहन आयोग हो या फिर जिस तरह से कांग्रेस अपने टेन्योर में पीवी नरसिम्हा राव काल में हो या फिर यूपीए शासन काल में, कहीं ना कहीं इस केस को उनके खिलाफ साजिश के तौर पर प्रेजेंट करने की भरसक कोशिश की। और आज जब फैसला आएगा तो जाहिर तौर पर सबका ही कहना, उनके घर के, उनके करीबियों का, कि ये रामलला का प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, अमिताभ सिन्हा है हमारे साथ इस वक्त, बीजेपी के नेता, और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। विजय शंकर तिवारी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना सईद उल कादरी इस्लामिक स्कॉलर इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, और मुरारी तिवारी वकील हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ सिन्हा जी, ये जो कहा जा रहा है ये है कि ये बदले की कार्रवाई के तहत किया गया, कांग्रेस सरकार जो थी उसने फंसाने की कोशिश की, किसी तरह के सबूत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स तो अदालत में जा चुके हैं, अब ये 600 दस्तावेज हैं जिनको पूरी तरह से एनालाइज किया है, स्टडी किया है कोर्ट ने, इतने सालों तक हमने देखा है कि अदालत में जो गवाह हैं वो भी पहुंचे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, 351 गवाह हैं जिनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, तो जो अदालत का फैसला आएगा वो तो इसके आधार पर आएगा कि क्या गवाहों ने बोला, क्या दस्तावेज कह रहे हैं, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो कि अदालत में पेश किए गए। मीमांसा जी, ये जो केस का अभी का बैकग्राउंड है उसमें बाबरी ढांचे के ध्वंस के बाद बहुत सारी चीजें हुई और बहुत समय गुजरा इसमें,
हर परिप्रेक्ष्य में बहुत विस्तृत चर्चा हुई। जैसा अभी मैंने सुना भी आपके चैनल पे अभी चर्चा भी हुई कि 2003 में एक फैसला आया था, 2003 के फैसले में इस पूरे जो केस हुआ उस केस के बारे में निर्णय आ चुका है, लेकिन दोबारा उस फैसले के ऊपर में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद इसको एक प्रॉपर कॉग्निजेंस इस पर संज्ञान लेते हुए, मैं इसमें एक दूसरा पहलू बताना चाहता हूँ। ये जो ढांचा गिरा ये एक तरह से संपत्ति विवाद भी था, क्योंकि उसके केस चलते रहे। संपत्ति विवाद में जब उसका टाइटल उसका जो स्वामित्व है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, तो मेरे दृष्टि में, कानूनी दृष्टि से, जितना मैं एक वकील के नाते समझता हूँ, ये केस इन्फ्रक्चुअस हो गया है। ये अब इसका कोई अर्थ नहीं रहा लेकिन इसके बाद में जो उस ढांचे के विध्वंस के बाद जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा और जो एक खास मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने दंगों की पूरी देश में एक चेष्टा की और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस परिप्रेक्ष्य से यदि इसकी चर्चा हो तो फिर बात समझ में आता है। लेकिन जहां तक इस केस का संपत्ति विवाद और ढांचा विध्वंस है, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अपना फैसला दे दिया है और वहां पर भगवान श्री राम का जो जन्मभूमि के ऊपर में भव्य निर्माण भी मंदिर का शुरू हो गया है, तो इसलिए अब इस विषय को प्रोसीडिंग्स अलग चली हैं जिसका फैसला आ गया, क्योंकि उसमें सवाल था जमीन विवाद को लेकर कि हक किसका बनता है, लेकिन अब ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, आपराधिक साजिश, यानी कि जो कार सेवक वहां पर पहुंचे या उन्हें उकसाने की कोशिश की गई। मुरारी तिवारी जी को, क्योंकि वो वकील हैं वो जानते हैं, मुरारी जी हमारे साथ हैं। मैं आपके प्रश्न को, मैं एक लॉयर के नाते ही बता रहा हूँ, मैं एक वकील के नाते बताना चाहता हूँ। आधा मिनट देखिए, जैसे मेरी संपत्ति पे, जो संपत्ति मेरी है ये तय हो जाए, उस संपत्ति के ऊपर में यदि किसी तरह के का विध्वंस होता है कोई भी, तो ये टाइटल जो तय हो गया, तो टाइटल ओनर कायदे से जो होते हैं उन्होंने उनके ऊपर अधिकार भी हो जाता है। मैं इस दृष्टि से बता रहा हूँ कि वो अपने ढांचे में या अपना जो उनकी संपत्ति है, उन संपत्ति पे यदि किसी ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो उसको वो हटाएं। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में जो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो भी इन्फेक्चुअस होता है कायदे से। मैं एक तो ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू है कि इसमें ऑलरेडी एक्विटल हो चुका है, दोबारा राजनीतिक षड्यंत्र की दृष्टि से यदि उसके ऊपर में घसीटा गया है मामला, तो मैं मानता हूं कि इसमें कोर्ट तय करेगा फैसला लेगी कि ये सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं, अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो एक अलग मामला है। मुरारी जी, ये जो सिविल प्रोसीडिंग्स पहले हमने देखी इस केस में और फिर ये मालिकाना हक दे दिया गया हिंदू पक्ष को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, लेकिन मेरा आपसे सवाल है जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं उनका असर क्या आज के केस पर, आज के जजमेंट पर जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उस पर क्या पड़ेगा? मीमांसा, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन रेज किया है और जो अमिताभ जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इस केस पर कोई इफेक्ट आएगा, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसका इस केस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का केस एक्सक्लूसिवली वो प्रॉपर्टी और मंदिर के जगह को लेकर के था। यहाँ तो क्रिमिनल इंटेंट देखा जाएगा कि क्या इन लोगों ने भीड़ को भड़काया, क्या इनका पार्टिसिपेशन था जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई, और क्या नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, किसके कितने लोगों को चोट लगा, तो यहाँ एक क्रिमिनल इंटेंट देखा जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमिताभ जी लॉयर हैं, मैं भी एक लॉयर हूँ, लेकिन अमिताभ जी इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, हो सकता है एक पर्टिकुलर पार्टी के विचारधारा की वजह से। अदरवाइज जो यहाँ देखा जाएगा या ये देखा जाएगा कि क्रिमिनल इंटेंट क्या था, ये जो एक्यूज्ड हैं इनका रोल क्या था उसके अंदर, क्या इन लोगों ने पब्लिक को भड़काया, क्या इन लोगों ने कुछ तोड़ा वहाँ पे, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान किया, तो यहाँ पर क्रिमिनलिटी देखी जाएगी, जो मेन सीरिया होती है एक एक्यूज की, वो देखा जाता है कि क्या इन लोगों ने किसी तरह का कोई ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं किया है। और जो पहले जो एक्विटल हो गया था उसका अब जो है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्रेश तरीके से फिर इस कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखे हैं, तो ये कोर्ट अपना एक इंडिपेंडेंट फैसला दे सकती है। ठीक है, एक अपडेट ले लेते हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, अभी तक कौन कौन कोर्ट में पहुंचे हैं, क्या अपडेट?
देखिए साध्वी रितंबरा जो कि राम मंदिर आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रही थी और 1992 में जो आंदोलन हुआ था 90 से लेकर 92 तक, उस वक्त वो अयोध्या में कई बार गई भी थी। वो साध्वी रितंबरा यहाँ पर पहुँची हैं, साक्षी महाराज पहुँच चुके हैं, चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और वो भी इस मुकदमे में आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रकाश शर्मा आ गए हैं अयोध्या से, सांसद लल्लू सिंह, इसके अलावा कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह समेत लगभग 32 लोग हैं जिनको यहाँ पर पहुँचना है। 5 से 6 लोग इसमें उपस्थित नहीं रह पाएंगे स्वास्थ्य कारणों के चलते। और अगर मैं एक बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं मीमांसा जी जो कि जिनको इसमें चार्जशीट में जिनके नाम दाखिल किए गए थे, वो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, उसमें सबसे आर्यन श्रीवास्तव जो कि तत्कालीन जिलाधिकारी थे फैजाबाद के, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, पवन पांडे ये शिवसेना से विधायक रह चुके हैं, इसके साथ ही साथ सतीश प्रसाद, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, रामजी गुप्ता, ओम प्रकाश पांडे, ऐसे कुछ और नाम हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लगभग 354 लोगों की गवाहियाँ इस पूरे मामले में हुई थी मीमांसा जी, और 4 प्रकार की गवाहियाँ हुई थी। पहली गवाही थी जो अयोध्या के स्थानीय निवासी थे जिन्हें चश्मदीद के तौर पर इस पूरे मामले में गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दूसरी गवाहियाँ इसमें जो सरकारी गवाहियाँ थी जिसमें अर्धसैनिक बल के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC के जवान शामिल थे, उनकी गवाहियाँ इसमें ली गई। वीडियो प्रमाण इस केस में प्रस्तुत किए गए हैं। अखबार में जो समाचार छपे थे 6 दिसंबर को लेकर, उनका इस्तेमाल किया गया है। तमाम फोटोग्राफ्स जो कि उस वक्त फोटोग्राफर्स ने लिए थे, उन्हें यहाँ साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि एक लंबी एक ये कानूनी प्रक्रिया थी, कई कोर्ट में गई, हर बार हर 2 साल 3 साल पर एक नए कोर्ट में मामला पहुंच जाता था, कहीं से स्टे मिल जाता था, लेकिन आज ये तय होगा कि क्या ये 32 लोग जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास, क्या इन लोगों को क्लीन चिट मिलेगी या इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, इसी पर आज ये फैसला आएगा। और यहाँ पर क्योंकि जो हमने एक्सपर्ट से बात की, आज जो भी फैसला आएगा इसे हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर कोई भी चैलेंज कर सकता है, जो अलग अलग पक्ष हैं, अगर किसी को ये फैसला पसंद नहीं आता है तो। मीमांसा जी जी, और धीरे धीरे जो नाम हैं आप जैसे कि बता रहे हैं, विनय कटियार और चंपत राय भी कोर्ट पहुंचे हैं, और ये जो 32 आरोपी हैं इस मामले में, फैसला इनको लेकर सुनाया जाना है आज कि आपराधिक साजिश में क्या ये शामिल थे। बाबरी विध्वंस का ये जो पूरा मामला जो कि 1992 में हुआ, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला, ये सबसे बड़ा विवाद, और अब लंबे इंतजार के बाद आज ये फैसला सुनाया जाना है कि आपराधिक साजिश क्या बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए की गई। और जो नेताओं का नाम है, जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, विनय कटियार, कल्याण सिंह, और भी ये लंबी फहरिस्त है, अब इन्होंने वहां पर क्या भड़काऊ बयान दिए। जो कार सेवकों के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी और दो दूसरी FIR है इस मामले में, वो इन बड़े बड़े नेताओं जिसमें BJP के नेता शामिल हैं, VHP के नेता शामिल हैं, क्या उन्होंने वहां पर भड़काऊ बयान दिए, और उन भड़काऊ बयान के बाद क्या वहां पर कार सेवकों को उकसाने के बाद क्या बाबरी मस्जिद ढाई गई। दरअसल मामला ये है, उस पर ये फैसला आना है आज, जिसका इंतजार किया जा रहा है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। विशाल पांडे को आप देख रहे हैं, इस वक्त मौके पर मौजूद है पूरी प्रामाणिकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, सारी जानकारी आप तक हम धीरे करके पहुंचाएंगे जैसे ही वहां पर सुनवाई शुरू होगी। इस वक्त जज वहां पर पहुंच चुके हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। इंडिया गोली नहीं चलाऊंगा। जहां राम का जन्म हुआ था, कुठारी बंधुओं का बलिदान। तो बाबरी विध्वंस मामले पर आज लखनऊ की स्पेशल अदालत है जो कि फैसला सुनाने वाली है। यह 28 साल पुराना ये मामला, बाबरी विध्वंस का ये हाई प्रोफाइल केस, और विनय कटियार, साध्वी रितंबरा इस वक्त कोर्ट पहुंच गए हैं। 32 आरोपी हैं कुल मिलाकर इस मामले में, और धीरे धीरे अब सभी आरोपी कोर्ट पहुंच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से कुछ आरोपी वहां पर नहीं हाजिर होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो शामिल होंगे, और उमा भारती, उनको कोरोना है, विनय कटियार भी वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, विनय कटियार माफ कीजिए पहुंच गए हैं, कल्याण सिंह वहां पर कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। और ये 28 साल पुराना मामला जिसमें आज स्पेशल अदालत
फैसला सुनाने वाली है और हर किसी की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बाबरी विध्वंस का ये पूरा मामला हुआ था, ये मस्जिद गिराई गई थी, ढहाई गई थी, उसके बाद जो आपराधिक साजिश क्या इसमें थी, जो नेता जिनके नाम लिए जा रहे हैं, ये देखिए आप, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, नृत्य गोपाल दास, ये सभी आरोपी हैं। साध्वी रितंबरा, चंपत राय, बड़े बड़े नाम हैं इसमें शामिल, विनय कटियार, साक्षी महाराज, रामविलास वेदांती, और आपराधिक साजिश का ये मामला इनके खिलाफ बनता है। ये आरोप लगाए गए थे पहले, हालांकि हाई कोर्ट ने ये सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, हर रोज मामले की सुनवाई होनी चाहिए और 2 साल में ही इस मामले का फैसला आ जाना चाहिए। और आज ही वो दिन है फैसला सुनाने का। और हालांकि 2019 के बाद ये एक्सटेंशन भी मिली और उसके बाद सुरेंद्र यादव जो जज हैं उनको भी एक्सटेंशन दी गई, क्योंकि कोर्ट की ओर से आदेश था कि जज भी इस मामले में बदलना नहीं चाहिए। और ये वो आरोपी आप देख रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि 28 साल में बहुत कुछ हो चुका है, निधन हुआ है बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, महंत अवैद्यनाथ और विजय राजेश सिंधिया, ये भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, लेकिन इनका निधन हो चुका है और बाकी जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। हमारे साथ विशाल पांडे लगातार अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, अब क्या अपडेट आपके पास, कौन कौन आरोपी पहुंच चुके हैं कोर्ट में और कब यह फैसला सुनाया जाएगा? देखिए ये लखनऊ की जो पुरानी बिल्डिंग है हाई कोर्ट की, उसमें सीबीआई की विशेष अदालत है। इस वक्त कोर्ट नंबर 8 जिसमें सुरेंद्र यादव इस पूरे मामले को सुन रहे हैं वहां पर पहुंच चुके हैं और आरोपियों के भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साध्वी रितंबरा, लल्लू सिंह, रामविलास वेदांती, प्रकाश शर्मा, चंपत राय, विनय कटियार, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा और भी नाम जैसे पवन पांडे, शिवसेना के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब वो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लगभग बताया जा रहा है सुबह 11 बजे के आसपास जज सुरेंद्र यादव की तरफ से फैसला पढ़ा जाएगा। कि इसमें सबसे अहम बात यही है कि आज ये 32 लोग दोषी साबित होंगे या इन्हें क्लीन चिट मिलेगी, इसी पर ये पूरा फैसला अगर हम संक्षेप में कहें तो आधारित होगा, क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि साजिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने क्या पाया, जज ने क्या पाया, तमाम जो गवाह यहाँ पर मौजूद रहे थे, लगभग बताया जा रहा 354 गवाहियां हुई थी, उन गवाहों से क्या कुछ निकल कर सामने आया, आज ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसे आप 1992 से देखिए तो 1992 में जब विवादित ढांचा का विध्वंस होता है उसके बाद से राम मंदिर के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया। जो तमाम ये 32 आरोपी हैं इन लोगों से जब हम बातचीत करते हैं कहते हैं वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था जिसके बाद राम मंदिर के लिए पूरा एक जमीन तैयार की गई। और इसके साथ ही साथ 1993 में पीबी नरसिम्हा राव की सरकार ने 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया था, विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया था जो कि अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद ही अभी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर वो विवादित जगह अविवादित हुई, अब राम मंदिर के निर्माण के कार्य की शुरुआत भी हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जब 92 के इस मुकदमे में जो कि 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, एक 197, एक 198, इसमें 10 मिनट का ही मात्र अंतर था, लेकिन 198 में 8 जो प्रमुख नेता थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के, उनको उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, उन पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया गया था। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या साक्ष्य यहां पर CBI ने पेश किए हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है। लेकिन आप जब इन 32 लोगों में से तमाम लोगों से बातचीत करेंगे तो वो कहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी फैसला आए, क्योंकि जो उनका मुख्य काम था वो पूरा हो चुका है। और इसके अलावा इनका यह कहना है कि कांग्रेस ने साजिशन इनके नाम जुड़वाए और इन्हें फंसाने की कोशिश की। जी, मौलाना कादरी भी हमारे साथ है। मौलाना कादरी, ये फैसला भी आना है लेकिन उससे पहले कुछ आरोपी हैं। रामविलास वेदांती कह रहे हैं कि हमको विश्वास है कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। ये खंडर को तुड़वाया गया, ढांचे को तुड़वाया गया, इसके लिए हमें गर्व है और हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तो जन्मस्थली रामलला की थी। जी जी, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में अगर दस्तूर की बालादस्ती नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अपहोल्ड नहीं किया जाएगा तो फिर ये जंगल राज में तब्दील हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जहां पर ये लोग दुहाई देते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, वहां पर एफिडेविट पेश किया गया और वक्त का चीफ मिनिस्टर जो अपनी जो जिम्मेदारी थी
जो वो निभाया नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सोते रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है और ये अदालत उसी कॉन्स्पिरेसी को तय करेगी। मैं तो समझता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी का शुरुआत जो है दरअसल ये रथ यात्रा से हुआ। अगर रथ यात्रा नहीं निकलती अडवाणी जी की तो कहीं पर भी जो है ये फसादात नहीं होते, लोगों में नफरत का जहर नहीं खोला जाता। इसमें रथ यात्रा को सबसे अहम तरीन मुद्दा माना जाए, कॉन्स्पिरेसी के सबसे बड़े जो आरोपी होना चाहिए वो एल के अडवाणी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रथ यात्रा निकाल कर सारे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब किया, मजहबी नफरत को फैलाया और बाबरी मस्जिद की शहादत की असल साजिश उसी रथ यात्रा से शुरू हुई। लिहाजा एल के अडवाणी के साथ जो जो लोग थे, मैं तो समझता हूँ जो जो लोग उनका साथ दिए, जो उनके ऑर्गेनाइजर्स थे रथ यात्रा के, उन पर भी मुकदमा होता तो बेहतर होता। लेकिन अभी 28 साल के बाद आज एक जजमेंट आएगा, देखना है कि वो हुकूमत की प्रोसिक्यूशन ने किस तरह से काम किया, किस तरह सबूत इकट्ठा किए, किस तरह अदालत में पेश किए, क्योंकि अदालत जज जो है वो तमाम सबूतों जी बिल्कुल सबूतों को देखती है अदालत। जी जी विजय शंकर तिवारी जी, जो बात यहाँ मौलाना कादरी कह रहे हैं कि ये तो प्री प्लांट था, इसकी जो साजिश है उसकी नींव तो राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ 1990 उसी में हो गई थी। देखो कादरी, एक बात तो यही कोर्ट का अपमान कर रहे हैं कि कभी भी कोर्ट ने उसको बाबरी मस्जिद नहीं कहा है। 1528 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं कहा गया है। वो एक ढांचा था और उस ढांचे के नाम पर कांग्रेस और मुस्लिम समाज 1992 तक, क्या जब तक ये निर्णय नहीं हुआ तब तक राजनीति करते रहे। यानी ये चाहते तो 1950 में निर्णय हल हो जाता, 1986 में हल हो जाता, 1989 में हल हो जाता, 2010 में हल हो जाता, जो आकर के 9 नवंबर 2019 में जाके हल हुआ है। आकर सत्य में जैसे सत्य की विजय होती है, हमने बार बार एक बात कही है कि सत्य की विजय होती है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय का हमने पहले भी सम्मान किया है, अभी भी कर रहे हैं। तो जो सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो बार बार न्यायालय का अपमान करने की बात कर रहे हैं, न्यायालय का अपमान तो ये कर रहे हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां हम दोबारा बनाएंगे। बताइए जो 5 तारीख को पूजन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद किस प्रकार के बयान आए, वो अपमानजनक है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाला है कि नहीं। कुल मिलाकर के 6 दिसंबर 1992 से पहले की राजनीति और 6 दिसंबर 1992 की बाद की राजनीति, दोनों राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम समाज मिलकर के हिंदू समाज के साथ छल करता रहा है। आप बताइए सोमनाथ का मंदिर बन सकता है लेकिन ये श्री राम जन्मभूमि पर राजनीति करते रहे। जब पहले 1950 में न्यायालय ने कह दिया कि ठीक है तुम्हें पूजा करने का अधिकार है, 1986 में उन्होंने कहा ताला खोल दो, ताला किसका खोला था उन्होंने, और 1989 में जब शिलान्यास की बात की गई तो शिलान्यास किसका होना था, 2010 में जब तीनों जजों ने एक बात मानकर कहा कि 1528 से पहले वहां हिंदू भवन था, वो न्यायालय का अपमान नहीं कर रहे। और वही बात हुई ना 9 नवंबर 2019 को तो निर्णय आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि सत्यमेव जयते सत्य की विजय होती है, आज भी सत्य की विजय होगी, बहुत देर नहीं है। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, ये तो अदालत ने मान लिया कि ये रामलला की जन्मभूमि है, राम मंदिर का निर्माण भी देखिए हो गया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है अमिताभ सिन्हा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये बात भी कही कि बाबरी मस्जिद जो गिराई गई ये एक अपराध था, संविधान के सेक्युलर फैब्रिक यानी कि निष्पक्ष ढांचे को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2001 में जो आपराधिक साजिश के जो चार्जेस थे, जो आरोप थे वो गिराए, वो गलती की, इससे क्या समझा जाए, ये जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले मीमांसा जी, जो सबसे बाद का जजमेंट आता है न्याय व्यवस्था में, जो जुडिशियल सिस्टम में, वो हमेशा ओवरराइडिंग होता है पुराने जजमेंट्स पे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और फिर जाके 2019 में क्या कहा, इन दोनों का भी उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि जब उन्होंने टाइटल फेवर में दे दिया हिंदू समाज के श्री राम जन्मभूमि के हित में,
तो वो जो पिछला ढांचा जो था वो एक तरह का एक ट्रेसपास था, वो अनधिकृत कब्जा था, और उस अनधिकृत कब्जे पे यदि कोई कार्रवाई जो वहाँ का मुख्य व्यक्ति जो अधिकृत व्यक्ति यदि वो कुछ बात करता है, यदि कहता है कि हमें चाहिए, और उसके बाद वहाँ पर एक स्पॉन्टेनिटी में एक जो स्वतः एक 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 स्थिति बनती है, और वहाँ सडन प्रोवोकेशन में यदि भीड़ ने उस ढांचे का विध्वंस किया, और उसमें 120 बी जो आपराधिक षड्यंत्र का जो क्लॉज लगाया गया है उसका कोई प्रूफ नहीं है, ना से किसी रिकॉर्डिंग में, और 120 बी वहाँ लगेगा जहाँ पर कि आपका बाद में टाइटल नहीं होता, और वो टाइटल यदि इन मुसलमानों के पास और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पास रह जाता में ये भी तो फिर भी उस परिप्रेक्ष्य में कि स्टेटस को बरकरार रहेगा, तो वो स्टेटस को तो नहीं रहा जो मस्जिद है या जो भी चाहे आप उसे ढांचा कहिए जो भी कहिए, लेकिन देखिए नहीं स्टेटस नहीं गिरा, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे सडन प्रोवोकेशन बहुत बार ऐसी चीज होती है जिसमें कानून में उसके ऊपर में एक प्रोटेक्शन भी है, सडन प्रोवोकेशन होता है और एक लगातार एक मानसिक जो स्थिति बनी वहां जनमानस की बनी जनता की बनी लगातार सदियों से जो 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 एक एक दमन की कार्रवाई रही इस समाज के प्रति उसका वहां पर एक तरह का एक वो हुआ एक जिसको आप कह सकते हैं एग्जिबिट हुआ वहां पर एक तरह से उसकी परिणति हुई, और उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पहले प्रॉपर्टी का टाइटल तय हो गया, अब उस प्रॉपर्टी पे जिसका टाइटल आ गया जिसकी स्वामित्व तो आ गया उसके द्वारा यदि कोई भी कार्रवाई वहां होती है तो अगेंस्ट ट्रेसपासर्स होती है जिन्होंने कानून तोड़ा उसके ऊपर में होती है, इसीलिए अब आपराधिक मामला मेरी दृष्टि से जितना मैं कानून समझता हूं इस दृष्टि से यहां पर वो आपराधिक मामला नहीं बनेगा। 2017 तक वो टाइटल का फैसला आया नहीं था या उसके पहले के जितने फैसले हैं उसमें वो मामला आया नहीं था, अब उसकी परिप्रेक्ष्य दूसरा हो गया है, इसीलिए मैंने हो जाता है क्योंकि 2019 में जो स्वामित्व है इस जमीन का वो तो हिंदू पक्ष को दे दिया गया, तो 2017 में क्या कहा गया वो मायने नहीं रखता। मुरारी जी देखिए मीमांसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी प्रेजेंट में जो फैसला दिया है ये एक तरीके का ये एक इक्विटी के तौर पर ये एक अरेंजमेंट भी किया है, इसमें इस क्रिमिनल एक्ट को इससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, सारी बात वहीं आकर के देखी जाएगी कि सीबीआई ने जो प्रोसिक्यूशन ने इन लोगों के खिलाफ क्या मटेरियल कोर्ट में पेश किया है, अगर सिविल केस में अगर आपको डिक्री हो गई तो उसे क्रिमिनल एक्ट का उसमें बरी हो जाना कोई ज़रूरी नहीं है, सारी बात ये डिपेंड करेगी कि सीबीआई ने इनके खिलाफ क्या क्या एविडेंस दिया, क्या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स थे जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई, क्योंकि वो जो सिविल मैटर का है बार बार अमिताभ जी जो कनेक्ट कर रहे हैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो उससे कनेक्ट होता नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन है, ये इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन है, इसका डिसीजन बिल्कुल ही अलग तरीके से आएगा कि इस पर सारा डिपेंड करेगा कि सीबीआई ने इनके खिलाफ एविडेंस क्या दिया है, अगर एविडेंस में आकर के गवाहों ने कहा है कि हाँ इन लोगों ने खड़े होकर के तुड़वाया है तो कोर्ट उस हिसाब से उसका लीनियंट व्यू लेगी या स्ट्रिक्ट व्यू लेगी, लेकिन कोर्ट को अलग इंडिपेंडेंट व्यू लेना पड़ेगा, और सारी बात मीमांसा आज ये तय होगी कि क्या ये लोग इस मामले में गिल्टी हैं या नहीं है, तो लेट अस सी कि क्या आता है रिजल्ट, आज तो देखना होगा हमें, लेकिन मैं अमिताभ जी की इस बात से एग्री नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पैक्ट है जजमेंट का इस पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। जी विजय शंकर तिवारी जी, ये कुछ का तो ये भी कहना है कि पूरी रिहर्सल कर ली गई थी 5 दिसंबर को कैसे ये ढांचा गिराया जाना है, फिर आपकी न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं उस दिन से पहले क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कुछ 100 कैसेट्स बताई जाती हैं जो कि वहां पर सौंपी गई अदालत में और वहां पर वो बकायदा देखी गई हैं कि उसमें क्या क्या हुआ, अब ये गवाह जो पहुंचे हैं उनके जो बयान है यानी कि ओरल एविडेंस भी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, तो जो भी हुआ वो साफ हो जाएगा आज अदालत। देखो मीमांसा, ये पूर्वानुमान लोग कर रहे हैं, हम तो एक बात जानते हैं कि वो राष्ट्रीय शर्म का एक ढांचा था जो 6 दिसंबर को लोगों ने तोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात है कि आखिर तोड़ा क्यों, तोड़ने का अवसर क्यों आया, आखिर बार बार हिंदू समाज के मन को उद्वेलित करना और उसको चिढ़ाना, और ये इस परिस्थिति में वो लोग पहुंचे कैसे पहुंचने के बाद वो ढांचा टूटा, तो ढांचा टूटने का तो सबसे बड़ा कारण है कि समाज का उद्वेलित होना,
और उद्वेलित होकर के ही वो सारा काम हुआ है, और एक राष्ट्रीय शर्म का एक प्रतीक था जो गिर गया। मुझे लगता है, मुझे तो गर्व है, हिंदू समाज को भी गर्व है, और उस ढांचा के टूटने से राष्ट्रीय शर्म का जो प्रतीक था वो नष्ट हुआ। ये हिंदू समाज, चलिए हमें इंतजार करना होगा विजय जी की अदालत इसे किस नजर से देखती है, क्या वो इसे अपराध मानती है, क्या इसे कैलकुलेटेड मूव बताती है, क्योंकि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, नोटिंग्स थी, वो कुछ और कह रही थी। लेकिन जो भी है, जो सबूत है, जो एविडेंस है, दस्तावेज पहुंच चुके हैं अदालत में, जिनको स्टडी किया गया है, एनालाइज किया गया है, और आज फैसला सुनाया जाना है। इस बहुत ही अहम फैसले में बहुत ही अहम विवाद, बाबरी विध्वंस मामले पर यह फैसला सुनाया जाएगा। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।